हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम वेज पुलाव बनाने जा रहे हैं। यस, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसको मैं आज कुकर में बनाने जा रही हूँ। अगर शाम को आप बिजी शेड्यूल में कुछ झटपट बनाना चाहते हो तो ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, और इसे बनाने के लिए भी जो सामग्री चाहिए आसानी से मिल जाएगी अपने घर पे अवेलेबल। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। और इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है घी 1 टेबल स्पून, आप चाहो तो और डाल सकते हो, और जीरा 1 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून। ये मैंने राइस लिया है 1 ग्लास जितना, और जो पानी का मेजरमेंट हम लेंगे वो इसी ग्लास से लेंगे। तो 1 ग्लास हमने चावल लिया है तो 1.5 ग्लास जितना हम पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक प्याज कटा हुआ, एक आलू लिया है मैंने उसको भी काट दिया है, गाजर, आप चाहो तो और भी वेजीज यूज कर सकते हो, नींबू, 2 हरी मिर्च लिए उसको बारीक काट दिया है, 7 से 8 काजू चॉप्ड, और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं हमने, 2 तेज पत्ता, लविंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। तो सबसे पहले हम राइस को वॉश करेंगे एकदम अच्छे से 2 से 3 बार। ये मैंने कुकर लिया है, प्री हीट कुकर में हम घी डालेंगे 4 छोटी चम्मच या 1 टेबल स्पून। जब ये गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे सारे, उसको अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। काजू डालेंगे, काजू का कलर ज्यादा चेंज नहीं होने देना है, तो एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अनियन, जो प्याज हम डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज होने तक अच्छे से मिक्स करना है, और स्लो पे रखना है हमें फ्लेम। अब हम इसमें दोनों वेजीज डाल देंगे, आलू और गाजर, आप चाहो तो बीन्स वगैरह भी डाल सकते हो इसमें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, उससे भी टेस्ट आएगा, और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो आप। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम राइस डाल देंगे इसमें, अच्छे से वॉश करना है, ये चीज ध्यान रखना, और वॉश करते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी रहता है इसलिए हम 1.5 ग्लास जितना ही पानी लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब ये देखिए अब हम पानी डालेंगे इसमें, ये मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, सेम ग्लास मैंने यूज किया है, और ये आधा ग्लास पानी और डाल दिया। मेजरमेंट बहुत जरूरी है अगर आप कुकर में चावल बना रहे हो तो आपके चावल चिपकेंगे नहीं, नहीं तो फिर वो एकदम चिपक जाते हैं, सो इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम कुकर को बंद कर लेंगे और इसमें 3 सीटी आने देना है, एक फुल फ्लेम पर और 2 स्लो फ्लेम पर। देखिए हमारा हमारे राइस बन चुके हैं, थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको खोल देंगे, इसमें से धुआं निकल रहा है आप देख सकते हो, तो अब हम इसको डायरेक्टली चलाएंगे नहीं, जस्ट मैं आपको थोड़ा बता दूंगी कि कैसे अलग होंगे राइस, बट जब ये ठंडे हो जाते हैं थोड़े तो आप उसको एकदम अच्छे से चला सकते हो। ये देखो मैं सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ आपको,
कि देखो एक एक दाना कैसे अलग हो रहा है, बट लेट इट कूल, पहले इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब देखिए आप, इसको एक एक दाना अलग हो चुका है। ये मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कोई भी राइस यूज कर सकते हो। अब हम इसमें लेमन डालेंगे, ये मैंने पूरा एक लेमन इसमें डाल दिया है, और ये धनिया पत्ता। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक एक दाना अलग हो चुका है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये पूरा। सो फ्रेंड्स, अब इसको हम सर्व कर सकते हैं, और यकीन मानिए बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाओगे। एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक माई रेसिपी, और सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिएगा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।